हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे आइस स्कैम अपने फ़ोन में। डू नॉट डिस्टर्ब को कैसे ऑन कर सकते हैं? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। तो वीडियो शुरू करते हैं आइस। तो हम पे जाएंगे पहले सेटिंग पर। तो अपनी सेटिंग में जैसे ओपन कर लेंगे आइस, ठीक है। तो यहाँ जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे ऐप्स रखे हैं, ठीक है। तो अपने में से अपने एक ऐप को ऐसे कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे ऐप्स रखे हैं, ठीक है। तो अपने में से अपने एक ऐप को ऐसे कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे यहाँ देखे माई सेटिंग्स, ठीक है। से ओपन कर लेते हैं, तो आप गाइस यहाँ देख सकते हैं इसमें सेटिंग्स है, ये हमारी हो चुकी है ओपन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे टॉपिक्स रखे हैं, ठीक है। तो अपन में से अपने एक टॉपिक को जैसे कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें नीचे आते हैं, यहाँ जैसे लेकर जैसे साउंड वैसे वाइब्रेशन, ठीक है। ओपन कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ देख सकते इसमें साउंड वैसे वाइब्रेशन है, ये हमारा हो चुका ओपन, ठीक है। इसमें नीचे आते हैं, यहाँ जैसे जैसे लगा जैसे यहाँ जैसे लगा डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। ओपन कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ देख सकते हैं इसे डू नॉट डिस्टर्ब है, ये हमारा हो चुका ओपन, ठीक है। जैसे यहाँ जैसे यहाँ लगा डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। सब ऑन कर देते हैं, तो यहाँ जैसे जैसे हमारे जैसे डू नॉट डिस्टर्ब है, ये हमारा हो चुका ऑन, ठीक है। सो इसे ऑन करने से ये होगा, इस हमारी जैसे कॉलिंग की जैसे हमारी जैसे हमारी आवाज़ है, ठीक है। हमारी वो आवाज़ नहीं आएगी, और जैसे नोटिफिकेशन की जैसी आवाज़ होती है, ठीक है, वो वाली आवाज़ भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसे हम डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे हमारे जैसे डू नॉट डिस्टर्ब है, ये हमारा हो चुका ऑन, ठीक है। और हमारी वीडियो यहीं तो दिस समाप्त। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।